हाय गाइस, वीवो का एक अपकमिंग स्मार्टफोन पकड़ा गया टेना के ऊपर, जहां पे इसका मॉडल नंबर निकल के आया है वीवो V19 21A। और दोस्तों यहां पे फिलहाल ये तो कंफर्म नहीं है कि इसका नाम क्या होने वाला है, लेकिन मॉडल नंबर देख के यही लगता है कि इसका नाम वीवो V19 हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में चाइना के अंदर वीवो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है वीवो IQ Neo, और काफी हद तक इन दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन मैच करती है। तो ऐसे में दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वीवो V19 की स्पेसिफिकेशन क्या निकल के है टेना के हिसाब से, और IQ Neo के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको क्या अलग देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी बात पे दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आप इस तरह के वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले की, तो वीवो V19 आएगा 6.38 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन होने वाली है Full HD+। यहाँ पे एक नॉच वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। फिलहाल डिस्प्ले के ऊपर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन दिया है या नहीं दिया है इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर ही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें जो पहला सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। दोस्तों वीवो V19 को पावर करेगा 4500 mAh की बैटरी, जो सपोर्ट करने वाला है 22.5 वाट के चार्जर को। दोस्तों OS की बात करें तो यह ऑटो बॉक्स आएगा एंड्रॉइड 9 के साथ, जिसके ऊपर चलेगा वीवो का खुद का कस्टम UI जो होगा फनटच OS 9। दोस्तों फिलहाल टेना के ऊपर इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया गया इसके ऊपर बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें वीवो IQ Neo के साथ, तो वहाँ पे जो चाइना वेरिएंट है वहाँ पे यहाँ पे कॉलकॉम को प्रोसेसर दिया गया जो है Snapdragon 855। तो ऐसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि वीवो V19 में भी आपको 855 प्रोसेसर शायद देखने के लिए मिल जाए, या फिर हो सकता है जब इसे इंडिया में लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे इसमें Snapdragon 730 भी दे दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों रैम स्टोरेज और प्राइसिंग की बात करें, तो जो IQ Neo जो चाइना में बिक रहा है वहाँ पे वो 4 वेरिएंट के साथ आता है, जिसमें से पहले वेरिएंट में दिया गया 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, और इसकी प्राइस है करीब 18,000 रुपीज। दूसरे वेरिएंट में दिया गया 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, इसकी प्राइस है करीब 20,000 रुपीज। तीसरे वेरिएंट में दिया गया 8GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, इसकी प्राइस है करीब 21,000 रुपीज। और चौथे वेरिएंट में दिया गया 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, इसकी प्राइस है करीब 23,000 रुपीज। तो ऐसे में दोस्तों अगर वीवो V19 इंडिया के अंदर Snapdragon 855 के साथ आता है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस अगर यहाँ पे 20,000 ऐसे रहती है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये मार्केट को हिलाने वाला और काफी किलर ऑप्शन यहाँ पे वीवो की तरफ से आएगा। इतने दोस्तों हाल ही में वीवो ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया वीवो Z1 Pro, जहाँ पे आपको Snapdragon 712 15,000 के प्राइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि 20,000 के प्राइस में क्या वीवो Snapdragon 855 इंडिया में लॉन्च कर सकता है, तो आपको क्या मानना है दोस्तों, डेफिनेटली आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और रही बात दोस्तों लॉन्च डेट की, तो फिलहाल कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसे हम गेस कर सकते हैं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि वीवो का ये आने वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।